यदि शरीर और मन स्वस्थ ना हो तो कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। योगा हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, इसलिए अभिमन्यु आप भी करें योग अभ्यास। वैसे आप तो हैं सुपर फिट और सुपर हॉट, लेकिन आजकल जो ड्रामा चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपको मेंटल पीस की भी ज़रूरत है। क्यों? तो चलिए देखते हैं क्या है ये नया ड्रामा। घल गए झूले, आया सावन का महीना, अभिमन्यु को मिली प्यार की सौगात। स्टार प्लस के सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज अक्षरा के घर में मनाया जा रहा है सावन मिलने का त्योहार, जहाँ पर सभी सज धज कर तैयार हैं और अक्षरा साज श्रृंगार कर अपने अभिमन्यु की याद में खोई हुई है। असल में तो अक्षरा और अभिमन्यु के बीच चल रही है खिटपिट। भाई पहले तो अभिमन्यु आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आए तो ढोल नगाड़े के साथ आए और अपना टशन वाला डांस दिखाते हुए एंट्री की, जिसे देखकर न सिर्फ मंजरी खुश हुई बल्कि अक्षरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अक्षरा के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे डर भी है, क्योंकि उसने अभी तक अपने घर पर किसी को ये नहीं बताया है कि उसकी और अभिमन्यु की लड़ाई हो गई है। आ गए तुम? क्यों नहीं आना चाहिए? तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी क्या है? किसी को पता ना चले कुछ, सब ऐसे ही चलता रहे। हाँ, यही चाहती हूँ मैं। और प्लीज, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कैसे चल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, कब तक चल पाऊंगा ये भी नहीं जानता हूँ। इससे पहले मेरे मुंह से निकल जाए खुद ही बोल दो। यही एक चीज है जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये नाटक। बोल। तो वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु को भी झूठ और बातों को छिपाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो अक्षरा से बार बार कह रहा है कि वो अपने परिवार को सच बता दे। अक्षरा कोशिश तो कर रही है अभिमन्यु को रोकने की, लेकिन क्या अभिमन्यु घर वालों को सच बता देगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या हुआ अभिमन्यु बेटा? कुछ हुआ क्या? खड़े क्यों हो गए? एक्चुअली बड़े पापा कुछ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। पूछिए अपनी लाडली से। मैं
तुम बताओगे या मैं बताऊं?